कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम पंचम दिवस की पवित्र सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मन वाणी जिभ्या को पवित्र करते हुए, भगवान के पावन नामों का स्मरण करते हुए, गान करते हुए और दिव्य कथा का आनंद लें। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक कथा और कहता हूँ। तुंगध्वज नाम का राजा था, प्रजापालक था। उसने भी सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए दुख को प्राप्त किया। एक वन में जाकर के एक बार यह राजा शिकार खेलने के लिए एक वन में गया। वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे शिकार करने के बाद में आकर के बैठ गया। थक गया था ये, और जब वृक्ष के नीचे आकर के बैठा तो उस वृक्ष के नीचे कुछ ग्वाल बाल, जो अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे, वह ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहे थे। राजा देखकर भी अभिमान से न तो वहाँ पर गया और न भगवान को नमस्कार किया। जब भगवान की कथा पूर्ण हुई, ग्वाल बालों ने भगवान के प्रसाद को राजा को दिया। राजा ने उस प्रसाद का अनादर कर दिया और अनादर करने के बाद अपने घर गया, निवास स्थान पर गया। जाकर के देखता क्या है, इसका जितना भी धन धान्य था वह सब नष्ट हो गया। इसके 100 पुत्र थे, वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसने मन में विचार किया, ये तो भगवान के प्रसाद का अनादर का फल है, इससे वहीं पर चलना चाहिए जहाँ पर भगवान का व्रत और पूजन हो रहा था। मन में विचार करता हुआ जंगल में गया। ग्वाल बालों के साथ इसने भगवान का व्रत और पूजन किया, प्रसाद को लिया। लौट करके जब अपने नगर में गया तो देखता क्या है, सब पहले की तरह ही है, पूर्ववत है। ना इसके कोई धन धान्य की नष्ट हुआ था और ना ही इसके कोई पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सब उसी तरह पहले की तरह ही चकाचक था, ठीक ठाक था। जो परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करता है उसको धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्रों को धन मिलता है, बंधन में पड़े हुए प्राणियों का बंधन छूट जाता है, डरपोक का डर छूट जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, व्यापार न चलने वाले व्यक्ति का व्यापार चलना प्रारंभ हो जाता है। तो निरंतर कम से कम एक वर्ष तक प्रत्येक महीने की पूर्णिमा, प्रत्येक महीने की संक्रांति में नियम से भगवान सत्यनारायण की इस दिव्य कथा को श्रवण करता है। अपने घर पर, स्थान पर, परिवार के साथ में बैठ करके श्रवण करता है। निसंदेह उसको समस्त प्रकार के सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और मोक्षदायिनी भगवान की जो कथा को सुनता है उसको समस्त प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, कहते हैं कि पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया है कि जो जो इस कथा के मूल में निकले हैं, दूसरे जन्म में जो इस कथा में निकले हैं उनका दूसरा जन्म कैसा हुआ है उनके विषय में बताता हूँ। सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे सुदामा ब्राह्मण हुए, उल्कामुख नाम का राजा दशरथ हुआ, साधु वैश्य नामक जो मौरध्वज होकर के अपने पुत्र का शरीर दो भागों में रूपधारी भगवान कृष्ण को अर्पित कर मोक्ष पद को प्राप्त हुआ, और जो स्वयंभू मनु हुए तुंगध्वज नाम के जो राजा थे ये स्वयंभू मनु हुए, और अंत में भगवान के परम प्रीत वैकुंठ को चले गए। और जो इसमें ग्वाल बाले निकले, ते सर्वे ब्रजमंडल वासिना, वह ग्वाल बाल ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल हुए और अंत में भगवान के परम प्रीत सत्यलोक को चले गए। तो मित्रों, ये भगवान सत्यनारायण जी की कथा यहाँ पर चैनल के माध्यम से मैंने बड़े ही संक्षेप में आप लोगों को श्रवण कराई है। इसका विस्तार और भी है, बहुत है, बहुत बड़ा है। यही कथा मैं 5 घंटों में भी नहीं कह सकता हूँ, जो कथा आपको संक्षेप में हमने यहाँ पर श्रवण कराई है। इतनी ही कथा सुनने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। कहें सुनें समझें बहु संता, बहुत से संत अपनी अपनी मस्ती में भाव में कथा को कहते हैं। तो मैंने आपको जो कथा श्रवण कराई है, इस कथा को श्रवण करते हुए भगवान विष्णु का निरंतर मन में स्मरण करते रहिए और भगवान का निरंतर भजन करते रहिए। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।